मैं कमिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठे। थैंक यू सर। राहुल अवस्थी। यस सर। अपने बारे में बताइए। सर माई नेम इज़ राहुल अवस्थी। आई एम फ्रॉम इंदौर विच इज़ फेमस फॉर बिंग नंबर वन क्लीनेस्ट सिटी सिंस लास्ट 7 ईयर्स। माई फादर इज़ अ प्रॉपर्टी ब्रोकर। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बी बी ए मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम आई पी एस अकेडमी इंदौर इन 2021 एंड माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज एंड सीरीज। आप इतना जल्दी क्यों बोल रहे हैं, कहीं जल्दी ही जाने की आपको? नो सर। तो तसल्ली से आराम से बताइए अपने बारे में, है ना? एक बार और बताइए। ओके सर। माई नेम इज़ राहुल अवस्थी। आई एम फ्रॉम इंदौर विच इज़ फेमस फॉर बिंग नंबर वन क्लीनेस्ट सिटी सिंस लास्ट 7 ईयर्स। And my father is a property broker. My mother is a housewife. I have done my graduation in BBA from IPS Academy Indore in 2021. And my hobbies are watching movies and series. आपने बताया कि आपके पिताजी प्रॉपर्टी ब्रोकर में हैं। उस फील्ड में आप क्यों नहीं गए उनकी हेल्प करने के पर्पस से? उसमें तो जरूरत लगती है। यस सर, लगती, बट मुझे उस फील्ड में पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था। और ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मैंने ये रियलाइज़ करा कि मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए फिर मैं बैंकिंग की तरफ स्विच हुआ। किस ईयर में किया था आपने ग्रेजुएशन अपना? 2021 में कंप्लीट हो गया। 2021 में आपका कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन। क्या किया ग्रेजुएशन में आपने? क्या बीबीए इन मार्केटिंग। बीबीए मार्केटिंग। यस सर। ये बताइए, जैसे अभी रिसेंटली आपका रिपब्लिक डे था, कौन सा रिपब्लिक डे था? सर ये शायद 75th था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे आपको पता है? किसको बुलाया गया? यूएस प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बुलाया गया था। श्योर? यूएस प्रेसिडेंट, बट आई एम नॉट श्योर, शायद वो आए नहीं थे, उनको इनविटेशन तो दिया था। आपने बीबीए किया हुआ है? यस सर। 2021 में? यस सर। और इतने साल तक क्या आपने क्या किया? सर मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बीबीए जस्ट कंप्लीट होते से ही मैं, तो 2022 में मैंने बैंकिंग एग्जाम दी थी, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुए थे, और 2023 में अभी मैंने मेंस क्लियर किया, तो अभी मुझे इंटरव्यू देने का चांस मिला। आप ये बता सकते हैं, आपने बोला क्लीनेस्ट सिटी तो है, ये इंदौर के साथ साथ और किसी को भी मिला है? यस सर, अभी मेरे सूरत को मिला था सर। और क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है? I'm not sure sir about that, पर शायद MP है। MP है पक्का? No, I'm not sure. Okay. आज के समय में बैंक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है NPA की। यस सर। क्या आप बता सकते हैं NPA के बारे में? यस सर। सर NPA बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, जो भी बैंक लोन्स प्रोवाइड करती है अगर उसकी पेमेंट्स जो है वो 90 डेज तक नहीं आ पाती, EMIs नहीं फिल होती है, तो वो NPAs में चले जाता है। और उसके लिए सर उसको रिजॉल्व करने के लिए सरफाइस से 2002 लाया गया था, और वो नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन में लाया गया था। तो उसमें बेसिकली बैंक्स को पावर दी जाती है थोड़ी ज़्यादा, मतलब जो उनके पास पहले पावर थी उसके कंपेरिजन में ज़्यादा पावर दी जाती है, कि जो भी NPA से रिलेटेड जो भी कोलेटरल्स वगैरह हैं उनको वो सेल करके, उन कंपनीज में कुछ चेंजेस करके वो अपना लोन रिकवर कर सके। तो आई थिंक ये इस तरीके से अभी बैंक्स फाइट कर रही हैं NPA से, और काफ़ी सुधार भी हो रहा है इस सेक्टर पर, इस चीज़ पर। ठीक है। NPA करने के पहले कुछ SMA करके होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट? यस सर होता है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। जैसे कोई किसान है उसने लोन लिया, यस सर, तो अगर वो 90 दिन तक रिटर्न नहीं कर पाता प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जैसा कि आपने कहा, यस सर, तो फिर वो NPA कैटेगरी में चले जाएगा सर? अगर किसान ने जो किसान के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो स्कीम्स होती है, अगर उनके अंदर लोन लिया है तो फिर वो NPA कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें जब उसका क्रॉपिंग का सोइंग सीजन हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद उसको कंसिडर करते हैं, वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं। DRT के बारे में सुना है आपने? DRT डेट रिकवरी सर, ये बेसिकली एक ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स टाइप होते हैं, मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क जो होता है, जब भी NPAs वगैरह हो जाते हैं तो उसमें कंप्लेन करते हैं हम, DRTs में बैंक्स वगैरह कंप्लेन करती हैं, उनको पावर रहता है कि वो अलग अलग रेगुलेशंस देते हैं कि आप कुछ नॉर्म्स जैसे कुछ रेगुलेशन देते हैं। सरफासी और DRT ये बातें ऐसी कुछ होनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, ऐसा कुछ आइडिया है? सर नरसिम्हम कमेटी ने दी थी सरफेसी एक्ट के लिए। तो कब एग्जैक्ट ये नहीं, पर शायद 1997 या 98 में दी थी। अच्छा, एग्जैक्ट आपको नहीं? यस सर। ठीक है। NCLT के बारे में सुना है आपने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? नो सर, नहीं पता। ठीक है। एक टर्म होती है PCA। यस सर। फ्रंट करेक्टिव एक्शन? यस सर। क्या होता है PCA? सर बेसिकली जब किसी भी बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो वीक होने लग जाती है या वीक हो चुकी होती है, वैसे तो सर जब वीक होने वाली होती है तभी RBI उसको PCA फ्रेमवर्क के अंडर ले लेती है, ताकि उसको और टाइटली सुपरवाइज कर सके और कुछ रूल्स और नॉर्म्स ऐसे ला सके जिससे वो उसमें सुधार हो सके बैंक में फाइनेंशियली। और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं इसके PCA के अंदर आने के बाद?
ये सब, जैसे डिविडेंड एक्सपांशन में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते उतना। फिर जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी में भी इफेक्ट आता है। फिर ब्रांच एक्सपांशन आप नहीं कर सकते, वैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। आपने बताया कि अभी आपने BBA किया है, यस सर, है ना, तो BBA में आपने मनी मार्केट के बारे में पढ़ा होगा। यस सर। कमर्शियल पेपर सुना है आपने? यस सर। क्या होते हैं कमर्शियल पेपर? सर कमर्शियल पेपर बेसिकली ये डेट इंस्ट्रूमेंट टाइप होते हैं, जिसमें जो जो भी एंटिटी इशू करती है उसके बदले में उसे डेट मिलता है, जो उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क के बाद देना पड़ता है मैच्योरिटी के साथ। और कितना मिनिमम उठाया जा सकता है पैसा, कितना फंड रेज किया जा सकता है इसमें? आई डोंट हैव एनी आईडिया। नहीं? यस सर। ठीक है, तो किस कौन कर सकता है ये कार्य? किसी के लिए कोई लिमिट है क्या? सर बैंक कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं? सर आई डोंट हैव एनी आईडिया। आपने कैपिटल गेन टैक्स के बारे में सुना है? सर पढ़ा होगा आपने अपने BBA के दौरान। एक रफ आइडिया है सर, मैं बताइए सर। कैपिटल गेन टैक्स आई थिंक जो बिजनेसमैन होते हैं उनको लगता है, नहीं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी परचेस प्रॉपर्टी या बिजनेसमैन? सर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा। ठीक है, आपको लगता है कि आप बैंक के लिए एक एलिजिबल और बेहतर कैंडिडेट हो? यस सर। ऐसा क्यों लगता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके रैशनल डिसीजन लूँ। मैं अपने आप को मैनेज करने में बिलीव रखता हूँ, डिसिप्लिन रहने में बिलीव रखता हूँ। प्लस मेरे अंदर मुझे लोगों से बात करना काफ़ी पसंद है। और BBA से मैंने, अगर मैं अपनी डिग्री की बात करूँ तो उसमें मैंने कस्टमर से जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है। और काफ़ी करंट अफेयर्स पढ़ा है कुछ आपने? यस सर। कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट बताइए। सर जियोपॉलिटिकल सर आई कांट रिमेंबर राइट नाउ, पर अच्छा रेड सी के बारे में सुना है आपने? लाल सागर, वहाँ कुछ क्राइसिस हुई थी अभी कुछ समय पहले? नो सर आई कांट रिकॉल। उसके बारे में जानकारी? नो सर। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एशिया से यूरोप को जोड़ रहा है, उसके बारे में कुछ सुना है आपने? नो सर उसके बारे में भी नहीं सुना। अभी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें हमारा सबसे ज़्यादा लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कौन से देश के साथ हुआ? आई डोंट हैव एनी आईडिया। इसके बारे में नहीं जानकारी। अभी बजट आया आपने सुना होगा? यस सर। इसमें फिस्कल डेफिसिट इसका टारगेट क्या रखा गया है? सर मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है। अच्छा जानकारी नहीं है। 5% है। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? सर फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं और टोटल रेवेन्यू होते हैं उनमें जो गैप होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये दिखाता है सर कि गवर्नमेंट के ऊपर कितनी फाइनेंशियल बोरोविंग्स हैं और कितने उनको ये गैप फिल करने के लिए कितनी बोरोविंग्स लेनी होगी। ठीक है, चलिए एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है, रेवेन्यू डेफिसिट समझा दीजिए। सर किसी बजट में दो फील्ड्स होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो गैप होता है उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, अब आपने ये बात बोली तो मेरा मन एक और क्वेश्चन करने का हुआ है, पूछ सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो जैसे सरकार ने अगर कहीं बाढ़ आई यस सर और वहाँ पर हेल्प किया यस सर, तो ये किस टाइप का खर्चा कहा जाए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना रही है जिससे बाद में उसको सरकार को फायदा हो सकता है, उसे कुछ इनकम गेन हो सकती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है राहुल, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए बढ़िया बोले हो आप, थोड़ी सी दो कमियां हमें लगी। पहली कमी तो ये लगी आप बहुत ही फास्ट बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वाइवा चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ से आंसर यहाँ से, ये इंटरव्यू डिस्कशन नहीं लग रहा। ओके मतलब ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि हम आपके बारे में कुछ जानने आए या आप अपने बारे में कुछ बताने आए, ऐसा लग नहीं रहा। ओके ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आयर चल रहा है, इधर से क्वेश्चन आया उधर से आंसर आया। ओके तो इंटरव्यू को वाइवा ना समझिए, उसको डिस्कशन बनाइए। ओके सर। एक मीटिंग बनाइए। ओके पहला। ओके दूसरे नंबर में जितना पूछा जाए उतना बताइए। जैसे मैंने पूछा NPA के बारे में कि NPA क्या है, आपको सिर्फ NPA क्या है बताना चाहिए था और आपने उसकी डिटेलिंग बता दी कि रिकवरी के लिए प्रयास चल रहा है। ओके तो जितना पूछा जाए उतना बताया जाए। ठीक है, क्योंकि आप वो आंसर अपने से बता दोगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रह जाएंगे। ओके ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने आपसे NPA पूछा है तो मैं पूछता आपसे कि NPA की रिकवरी के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं। ओके तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। यस सर। क्या आप दूसरे क्वेश्चन मेरे द्वारा कहे गए क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो? यस सर। क्योंकि वो आपने अपने से आंसर दे दिया। Yes, sir. तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो गया, है ना? Yes, sir. तो तसल्ली के साथ आराम से अपनी बात को रखना है। Yes, सर। में थोड़ी स्माइल बनी रहे। Yes, sir. डिस्कशन जैसे लगना चाहिए। Yes, sir. आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो। Yes,
ऐसा महसूस होना चाहिए। ओके सर, बाकी ओवरऑल ठीक था, नॉलेज वाइज अच्छा है, बस उस नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट करिए। ओके सर, बढ़िया हो जाएगा काम। ओके सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।